सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के कुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी हम बात करते हैं पहले कल के पोल की, जहां पे दोस्तों मैंने एक और पोल रखा था ट्विटर के ऊपर। तो यहाँ पे भैया वोटिंग मिली है कुछ ऐसी कि यूट्यूब पे आप में से 90% ने ऐसा कहा और दोस्तों ट्विटर के ऊपर जो वोट्स है पॉजिटिव वो थे 92% कि भैया गिव अवे करना चाहिए मुझे कंटिन्यू। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि आप में से कुछ व्यूअर्स ये कहते हैं कि यार मेरा कमेंट अच्छा था मैं फिर भी नहीं जीता। तो यार ये मेरी मजबूरी है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं आप सभी वो होते हैं 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख, तो मैं सभी कमेंट्स नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक तरीके से दोस्तों विनर्स को पिक करता है। तो यहां पे भैया कमेंट किसी का कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइड ये नहीं करता कि भैया विनर जो है वो आप बनने की आपकी कितनी प्रायोरिटी है। तो ऐसे में अभी के लिए भैया मेरी तरफ से सॉरी, आगे चल के शायद हम गिव अवे का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करें। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आपने कहा है तो भैया गिव अवेज आगे होंगे और होंगे बहुत सारे। अभी सैमसंग कुछ लॉन्च कर रहा है ना अगस्त के महीने में, कुछ करते हैं प्लानिंग, 9 अगस्त को लॉन्च है, 9 पीस कर दें क्या? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आज का सवाल ये है कि भाई आपने क्या दूसरे चैनल गौरव चौधरी को सब्सक्राइब किया हुआ है या आप अभी भी भैया दूर हो सब्सक्रिप्शन से? अगर दूर हो तो कर लो सब्सक्राइब दोस्तों, वहाँ पे होने वाले हैं 1 मिलियन। अगर अभी तक नहीं किया है तो दबाओ जाके सब्सक्राइब बटन दोस्तों, कर देते हैं अपन गिनती पूरी 1 मिलियन की और सी बात पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो है यहाँ पे गूगल मैप्स को लेके, जहाँ पे अभी दोस्तों आप सीधा अपने नोटिफिकेशन सेंटर से ही रेट कर पाएंगे अलग अलग जगहों को जो आपने विजिट किए हैं। तो मैप आपसे पूछ लेगा कि भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसी आपको वो जगह लगी। तो वहां पे दोस्तों जो स्टार रेटिंग्स हैं वो आप डायरेक्टली अपने नोटिफिकेशन से ही कंप्लीट कर सकते हैं अभी गूगल मैप्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सैमसंग के प्रोसेसर एक्सिनोस 9820 को लेकर, और यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें हो सकता है माली का G76 GPU। यहां पर दोस्तों इसके अलावा ये जो प्रोसेसर होगा ये बनाया जाएगा 7 नैनोमीटर डिजाइन के ऊपर। तो देखते हैं कि आखिर शायद हमको क्या पता देखने को मिल जाए गैलेक्सी S10 में ये Exynos 9820 प्रोसेसर। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे भैया एप्पल के लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, जहां पर दोस्तों एप्पल अभी एक फीचर ये लेके आया था कि भैया जो USB पोर्ट है उसको वो डिसेबल कर देगा 1 घंटे के बाद में। ऐसे में दोस्तों लोग सोच रहे थे कि भैया फोन काफी सिक्योर बन जाएगा, जो गवर्नमेंट्स वगैरह हैं जो बाकी एजेंसीज हैं वो भी भैया फोन को अनलॉक वगैरह नहीं कर पाएंगे हार्डवेयर के मीडियम से। लेकिन यहां पर दोस्तों रिपोर्ट ये बोलती है कि अगर आप उसके अंदर कुछ भी लगाए थे एक्सेसरी, फिर चाहे आपने उसको पास्ट में यूज किया हो या नहीं, तो ऐसे में वो जो काउंटर है वो रीसेट होता रहता है। तो इसका मतलब आईफोन जो है वो अनलॉक किया जा सकता है थ्योरेटिकली। देखते हैं कि यहां पर एप्पल अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा और मजबूत कैसे बनाता है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यार यहां पर यूट्यूब की तरफ से, जहां पर दोस्तों किया गया है इन्वेस्टमेंट $25 मिलियन का यार फेक न्यूज की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। जहां पे दोस्तों कोई भी अगर होती है भैया ब्रेकिंग स्टोरी तो वहां पे उसके चलते काफी सारी फेक न्यूज वगैरह भी बन जाती हैं। तो यहां पे दोस्तों उसी को कंट्रोल किया जाएगा और ऐसे में आपको कुछ कुछ चीजों के लिए एक छोटा सा यहां पे डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेगा जो आपको बताएगा भैया और अच्छे से रियलिटी चीजों को लेके। तो ये है दोस्तों यहां पे अपडेट यूट्यूब की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि यूट्यूब पे जितना भी कचरा है ना वो साफ हो जाए, फेक न्यूज के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं और यूट्यूबर्स कुछ ऐसे हैं जो आज की डेट में भी चीजें प्रमोट कर रहे हैं भैया, डेली बेसिस पे बना रहे हैं अपना कंटेंट। तो थोड़ी सी अगर क्लीनलीनेस रहे प्लेटफॉर्म पे तो और अच्छा होगा सभी व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यार यहाँ पे स्मार्ट बैंडेज को लेके, और ये दोस्तों एक ऐसा बैंडेज बन सकता है जहां पे भैया अगर कहीं चोट लगी है आपने उसको दोस्तों कवर कर दिया है बैंडेज, तो ऐसे में दोस्तों वो जो है आपके वुंड को सेंस भी करेगा और उसके बाद में जब जब जितनी इतनी दवाई चाहिए दोस्तों यहाँ पे वो ड्रग्स को डिस्पेंस भी करता रहेगा स्मार्ट तरीके से। तो यार ये काफी कमाल कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कि ऐसा जो स्मार्ट बैंडेज है वो हमको रियलिटी में कब देखने को मिलता है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहां पे एक ऐसे रोबोट को लेके जो कछुए की तरह रेंग रेंग के चल सकता है दोस्तों यहां पे, इसके अलावा ये दीवारें भी चढ़ सकता है। तो हम भैया डेवलप करते जा रहे हैं ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग मशीन्स को, अब यहां पे आगे चले जाते हैं फ्यूचर में कि क्या हम इंसान जैसा एग्जैक्ट
कोई रोबोट बना सकते हैं या नहीं, वो चिट्ठी 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 की तरह है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और ये है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट टैबलेट सरफेस गो को लेके। और ये दोस्तों बेसिकली एक एंट्री लेवल सरफेस टैबलेट लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जहां पे आपको मिलता है दोस्तों इंटेल की तरफ से आने वाला 7th जनरेशन का पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर, जो प्राइस दोस्तों है वो सस्ती है करीब $400 की, लेकिन फिर भी यहां पर दोस्तों आपको एक फुल फ्लेज्ड विंडोज नहीं मिलता है, ये है भैया विंडोज सिस्टम एस, जहां पे लिमिटेशंस है दोस्तों कुछ कुछ बहुत सारी। और ऐसे में आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है उसमें है 4GB की रैम, 64GB की EMMC बेस्ड फ्लैश स्टोरेज, इसके अलावा एक और वेरिएंट है जो आता है 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। यहां पर दोस्तों जो बेसिक टक्कर दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वो भैया दे रहा है आईपैड्स को और उसके अलावा क्रोमबुक्स को। तो देखते हैं कि ये जो सर्फेस गो है ये इंडिया में आता है या नहीं, और अगर आता है तो किस प्राइस पे आता है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यार एक बहुत ही कमाल कैमरा के लिए, जिसको मैं परचेज करने वाला हूं फॉर श्योर जैसे ही आता है मार्केट में। और यहां पे दोस्तों ये है निकॉन की तरफ से आने वाला कूलपिक्स P1000 कैमरा, जहां पे दोस्तों है 125x ऑप्टिकल जूम, मतलब भैया धूम मचा दी है इसने। इसका उस पुराना वेरिएंट था P900, उसके अंदर था 83x ऑप्टिकल जूम। और मुझे ये दोस्तों जो होते हैं अल्ट्रा जूम वाले कैमरा से बहुत पसंद आते हैं, मेरे पास में पहले कुछ हैंडीकैम्स भी थे JVC वगैरह के, जहां पे जो जूम था वो था 32x से 40x तक। तो यहां पे भी दोस्तों जो कैमरा आ जाएगा तो इसके बाद में आप करेंगे अगर चांद पे जूम तो भैया आप चांद के खड्डे वड्डे सब कुछ देख पाएंगे, व्लॉगिंग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये है दोस्तों निकॉन का कैमरा, आने वाला है सितंबर के महीने में, जो प्राइस है वो है करीब $1000। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल की तरफ से, और यहाँ दोस्तों गूगल इंडिया में अपना एक बहुत ही कमाल जो है वो कोर्स लेके आ गया है। ये है दोस्तों MLCC बोले तो मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स स्टडी जैम। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग में तो आप फ्री में दोस्तों चीजें सीख सकते हैं बहुत सारी इसी के अंदर। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कमाल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जहां पे आपको मिलेगी जानकारी मशीन लर्निंग के बारे में, और गूगल उसको इंडिया में लेके आ गया है ताकि जो इंडिया दोस्तों स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए इसी मशीन लर्निंग के फील्ड में। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को लेके, जहां पे दोस्तों ये जो बात हो रही है ये है भैया उनके ट्विटर को लेके थोड़ा सा एनालिसिस, जहां पे रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि जब से वो बने हैं प्रेसिडेंट उसके बाद से अभी तक जो उनका दोस्तों फॉलोअर्स का नंबर है वो हो गया करीब करीब डबल, जहां पे फिलहाल उनके पास में है करीब 52 मिलियन फॉलोअर्स, और यहां पे दोस्तों ये बने हुए हैं दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्ड लीडर। इसके बाद दोस्तों आते हैं पोप, और उसके बाद में है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। और यहां पे दोस्तों अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोलते हैं कि भैया यहां पे अकाउंट चल रहा है बहुत ही कमाल का, लेकिन रीट्वीट्स के मामले में दोस्तों ये फिर भी अभी नंबर वन पे नहीं है। तो ये कुछ दोस्तों हो रहा है एनालिसिस यहां पे ट्विटर को लेके। मजे की बात यहाँ पे ये है कि क्या आपने मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो किया, अगर नहीं किया तो ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके दबा दो बटन को, कभी कभी मूड होता है तो अच्छी बातें वहां पे लिख देता हूँ। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे मोटोला के मोटो E5 और E5 Plus को लेके, इंडिया में लॉन्च हो गए हैं और समझ नहीं आता कि मोटोला भैया क्या काम कर रहा था इन फोन्स को लॉन्च करते टाइम। और यहाँ पे दूसरा प्राइस रखी है वो है 9999 E5 के लिए और 11999 E5 Plus के लिए, और यहाँ पे वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 425 और 430 प्रोसेसर। बैटरी है दोस्तों मेन हाईलाइट, जो कि है 5000 एमएच की E5 Plus में, 4000 एमएच की मोटो E5 में। E5 Plus में तो ना मतलब लोगों को पागल बनाने का ठेका रखा है, जहां पे पीछे आपको कैमरा देखने में लगता है दूर से कि शायद ड्यूअल कैमरा होगा, लेकिन दोस्तों ये है एक सिंगल कैमरा सेटअप। लिनोवो ने ना मोटोरोला को मतलब ऐसे बस कर दिया है, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा यार। ब्रांड कुछ अगर अच्छा काम करे, यूनिक काम करे, अब तो लगता नहीं कि मेरे को मोटोरोला के जो खुद जेन्युइन यूजर्स होंगे उनको भी कोई इंटरेस्ट होगा इन मोटोरोला के ई सीरीज के डिवाइसेस में। जी का तो खैर पहले ही अजीब सा काम कर दिया था। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे यूट्यूब एंड्रॉइड फोन के लिए, और यहाँ पे दोस्तों अभी एंड्रॉइड फोन में आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही जल्दी दोस्तों यहाँ पे चीजें हो रही है रोल आउट, जहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं इनकॉग्निटो मोड को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी सर्च हिस्ट्री है वो दोस्तों रह जाएगी यहाँ पे क्लियर। तो अगर कुछ आपको ऐसी चीजें सर्च करनी है जो आप नहीं चाहते हैं कि भैया आपकी सर्च हिस्ट्री में आए, या फिर अगर आप किसी और के फोन में लेट्स से YouTube दोस्तों यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं इनकॉग्निटो मोड को। हालांकि आपको ऐप में ऑप्शन मिलता है अपनी सर्च हिस्ट्री, अपनी वॉच हिस्ट्री को, अपनी दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी होती है हिस्ट्रीज उनको पॉज करने का, क्लियर वगैरह करने का, लेकिन यहाँ पे अभी आपके लिए एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा सीधा उसी ऐप में इनकॉग्निटो मोड का, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कुछ सर्टेन केसेस में YouTube की तरफ से। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे WhatsApp
की तरफ से। और यहाँ दोस्तों व्हाट्सएप बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे यार वो भी एड कैंपेन्स चला रहा है और लोगों को अवेयर कर रहा है कि यार व्हाट्सएप पे जो भी उनको आते हैं तरह तरह के मैसेजेस ग्रुप में, आधे अधूरे कई बार होते हैं, सच कई बार होते हैं झूठ, तो उनको दोस्तों वो कैसे टैकल कर सकते हैं, यहाँ पे वो कैसे करें आइडेंटिफाई कि भैया वो जो न्यूज है वो रियल है कि फेक है, उसको शेयर करने से पहले उनको क्या है दोस्तों कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो बड़े स्केल में दोस्तों यहाँ पे ऐसे अखबार वगैरह के अंदर भी एड्स निकाल रहे हैं। हालांकि जो आप फोटोज देख रहे हैं दोस्तों वो है इंग्लिश में, लेकिन इसके अलावा व्हाट्सएप यहाँ पे हिंदी में भी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऐसे कैंपेन्स करने वाला है आने वाले हफ्ते में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। ऐसे में दोस्तों जो हम यूथ हैं हमको समझ में आती है चीजें, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो शायद इतना अवेयर नहीं है और वो जाने अनजाने में भैया फॉरवर्ड कर देते हैं ऐसे मैसेजेस को। तो यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप जो है क्योंकि आया है प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो चला रहा है भाई ऐसे कुछ कैंपेन्स जिसके बाद में शायद हमको व्हाट्सएप से भी बहुत सारा कचरा साफ होते देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहाँ पे एचपी के पवेलियन 15 और ओमेन 15 गेमिंग लैपटॉप्स को लेके। यहाँ पे दोस्तों ये भैया इंडिया में लॉन्च हो गए हैं, जहाँ पे दोस्तों पवेलियन 15 की स्टार्टिंग प्राइस है वो है 74990। दोस्तों ओमेन लाइनअप है उसकी प्राइस है 105,990 रुपए। और यहाँ पे दोस्तों आपको वो गेमिंग के लिए मिलते हैं अच्छे अच्छे हार्डवेयर वाले कंप्लीट कंपोनेंट्स, जहाँ पे आप एंजॉय कर पाएंगे अच्छे अच्छे गेम्स को। प्राइसिंग गेमिंग लैपटॉप्स की ज्यादा ही होती है, तो यही सेम सीन है एचपी के इस लाइनअप के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लास्ट, वो है नोकिया के X5 को लेके। और यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट ये बोलती है कि इस फोन के अंदर होने वाला है मीडियाटेक का P60 प्रोसेसर। और यहाँ पे दोस्तों जो फोटो हम देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो नॉच है वो भी थोड़ी सी वाइड अगर आप करते हैं कंपेयर नोकिया X6 के साथ में। तो ये अभी रिपोर्ट्स तो बोलती है कि भैया कल लॉन्च होगा। प्राइस जो है वो है करीब 999 युआन, बोले तो करीब करीब 10,500 रुपए के आसपास। मतलब अगर इंडिया में नोकिया भैया क्यों लेके नहीं आता इन फोन्स को इसी प्राइस पे, अगर लेके आए तो धूम मच जाए ना इंडिया में। मतलब ऐसा बढ़िया नॉच वाला फोन आपको मिल जाए 10,000-11,000 रुपए के अंदर नोकिया ब्रांड के नाम के साथ में, P60 के साथ में। पता नहीं नोकिया क्या कर रहा है, देखते हैं कि दोस्तों इंडिया में कब तक होता है लॉन्च, जुलाई या फिर अगस्त या फिर सितंबर में। लेकिन ये है अपडेट नोकिया के इसी X5 के लिए। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।